पूर्व विधायक संतोष पांडे बाइज्जत बरी। अदालत ने पूर्व विधायक के समर्थकों को भी दी राहत। पूर्व विधायक के बरी होने पर समर्थकों में खुशी की लहर। एक साल पहले भाजपा नेता को पीटने का लगा था आरोप। जी हाँ, मंगलवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक संतोष पांडे को बाइज्जत बरी कर दिया है। विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने एक साल पहले भाजपा नेता को पीटने के मामले में ना सिर्फ संतोष पांडे को राहत दी बल्कि उनके साथ मामले के अन्य आरोपियों को भी निर्दोष करार दिया। अपने नेता संतोष पांडे के निर्दोष साबित होने पर समर्थकों ने खुशी जताई। पूर्व विधायक संतोष पांडे के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि 22 दिसंबर को भाजपा नेता से मारपीट में अदालत को पूर्व विधायक के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें और उनके साथियों को बरी कर दिया गया। ये पूर्व विधायक माननीय संतोष पांडे जी से जुड़ा हुआ था, जिसमें 22/12/21 की घटना दिखाते हुए एक जयशंकर त्रिपाठी जी हैं न्याय पंचायत नगर पंचायत लम्हुआ के, उन्होंने FIR पंजीकृत कराया था जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में विधायक संतोष पांडे जी और इनके कुछ साथियों के खिलाफ। उसमें आज जजमेंट आना था, उसमें ऑनरेबल MP MLA कोर्ट साहब से कोर्ट के आदेश से आज ये पूर्व विधायक संतोष पांडे जी और उनके साथ जितने भी लोग नामजद हुए थे सबको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। आपको बता दें कि 22 दिसंबर 2021 को लम्हुआ निवासी भाजपा नेता जयशंकर त्रिपाठी नरहरपुर गांव में महेंद्र मिश्र के घर आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जयशंकर त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सपा विधायक ने अपने समर्थकों के साथ जयशंकर त्रिपाठी पर हमला कर दिया था, जिसके चलते वे घायल हो गए। जयशंकर त्रिपाठी की शिकायत पर पुलिस ने मामले में पूर्व विधायक संतोष पांडे, उनके समर्थक परमात्मा यादव, सतपाल यादव, अशोक यादव, परमहंस यादव, यज्ञदेव भट्ट, आलोक तिवारी व विवेक मिश्र के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज किया था। 8 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इसी मामले में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के बाद बृहस्पतिवार को MP MLA की विशेष कोर्ट ने पूर्व विधायक व अन्य आरोपियों का 8 मार्च को बयान दर्ज किया था और मंगलवार 21 मार्च को कोर्ट ने पूर्व विधायक समेत सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। आपको बता दें कि मंगलवार को ही पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति भी 2012 के मामले को लेकर पेशी पर लाए गए थे, जहां कोर्ट ने उनके मामले पर 1 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया है। माननीय पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी की पेशी ऑनरेबल MP MLA कोर्ट में हुआ था। इनके ऊपर ये आचार संहिता उल्लंघन का मामला चल रहा है, जिसमें ये कहा गया था कि इन्होंने 2012 में नामांकन के दौरान परमिटेड मार्ग से न जा करके अनपरमिटेड मार्ग से जा रहे थे। उसमें धारा 188 और 127 जनप्रतिनिधि अधिनियम और 188 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसी में आज फाइनल बहस थी, हमने आज फाइनल बहस पूरा कर दिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने 1 अप्रैल की डेट ऑर्डर में लगाया है। पूर्व विधायक संतोष पांडे और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति इस दौरान साथ में दिखे। सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।